डिस्ट्रिक्ट कसूर के गंडा सिंह बॉर्डर से मंडी अहमदाबाद के इलाकों को जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं उनको तीन कैटेगरी में तकसीम किया है, लो लेवल फ्लड एरियाज, मीडियम लेवल फ्लड एरियाज एंड हाई लेवल फ्लड एरियाज। पाकिस्तान इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट और हर तरह की डिजास्टर और कुदरती आफात से निपटने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान और पॉलिसी रखता है, मगर इसके बावजूद हर साल हमारे इस इलाके में और इस एरिया में इतनी तबाही और बर्बादी क्यों फैल जाती है। नाज़रीन मोहतरम, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया और गवर्नमेंट्स महज इसे भारतीय आबी जारहियत का नाम देकर अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो जाते हैं। आज इस छोटे से व्लॉग में हम चीजों को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर साल हमारे इस इलाके में और इस एरिया में इतनी तबाही और बर्बादी क्यों फैल जाती है, उसके तीन वजूहात हैं। नंबर वन, बैड गवर्नेंस। नंबर टू, लेथार्जी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर थ्री, बैडली फेलियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आप सोचे, अगर ये फेलियर ना हो इनके पार्ट पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो, बंद और इम्बैकमेंट जो बनाए जाते हैं उनकी मुनासब मेंटेनेंस और तामीर हो, दरियाए सतलुज के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल लोग उनकी इंक्रोचमेंट कर लेते हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, और प्रीकॉशनरी सेफ्टी मेजर इस तरह लिए जाए टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। ये जो फ्लड है, ये जो हमारे लिए जहमत है, ये रहमत भी बन सकता है। मगर नाज़रीन मोहतरम, आई एम सॉरी टू से, बैड गवर्नेंस की वजह से और करप्शन की वजह से हमें जो नतायज हासिल होना चाहिए वो नतायज हासिल नहीं हो पाते। आप देखते हैं, सुनते भी रहते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की डोनेशन आती है, बिलियन डॉलर्स की फॉरेन फंडिंग भी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें नतायज क्यों नहीं हासिल होते। वो इसलिए हासिल नहीं होते कि जब मामलात को हम अकॉर्डिंग टू जो हार्श एंड फास्ट रूल है, जो एक सिस्टमेटिक प्लान है, उसके मुताबिक नहीं चलाते, बल्कि महज करप्शन की नजर सारा कुछ हो जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू लेवल द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, लेकिन वो मुझे नतायज नहीं मिल रहे। आज हम सवाल उठा रहे हैं, इनके जवाब लेंगे इंशाल्लाह, और मैं और मेरी टीम ने अपनी हद तक पूरी इसकी रिसर्च कर ली है। वो सवाल ये हैं। नंबर वन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से पहला क्वेश्चन ये है कि प्री फ्लड और ड्यूरिंग फ्लड कितने रिलीफ कैंप लगाए गए और रिलीफ वर्कर की तादाद कितनी थी और इस पर कितने अखराज आए। नंबर टू, कितने मेडिकल कैंप लगाए गए, उस पर मेडिसिन और वैक्सीनेशन का कितना खर्चा आया। नंबर थ्री, एड्स और डोनेशन आइटम्स के लिए कितने वेयर हाउस बनाए गए और कहां कहां पर बनाए गए। इसके बाद कितने देहात जेरे आब आए और उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए क्या क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, कितने एकड़ जराई राजी जेरे आप आई, उनमें से कितनी काबले काश्त होगी और कितनी दरियाबुरुद हो जाएगी, और जो क्रॉप्स डैमेज हुई हैं, क्रॉप्स डैमेज के एक एकड़ की फसल की कॉम्पनसेशन के लिए आपने कितना तखमीना लगाया है, लाइफ स्टॉक डेयरी और पोल्ट्री के लिए इसको रिलोकेट करने के लिए आपने कितने अखराजात किए, और इसको जो फोडर और चारा वगैरह मुहैया किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर प्लान, उस पर कितना खर्चा आया, आपने कितनी कश्तियां वहां पर लोगों को सर्व कर रही हैं माइग्रेशन के लिए, कितने बलडोजर काम कर रहे हैं, क्रेने एम्बुलेंस व्हीकल्स, उनकी फ्यूल की मद में कितना खर्चा आया, और इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक डैमेज हुआ और उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए कितने अखराजात आएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये सारी चीजों की असेसमेंट, कॉम्पनसेशन
और लोगों तक जो नीडी पीपल हैं उन तक अपनी इमदाद पहुंचाने के लिए इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। मैं बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सारी सिविल सोसाइटी, हम इनसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इन सारे सवालात का जवाब लेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। Here is Hafiz Ruhul Amin, advocate, hometown, Kanganpur. I am very concerned about the flood affected people. मुझे याद है 1988 में, when I was at the age of 13 or 14 years, जब सैलाब की वजह से रात को दीवारें और छतें गिरती थीं और उनके मुनहदम होने से जो आवाज पैदा होती थी वो अभी तक मेरे दिल और दिमाग में लर्जा पैदा करता।